फरीदाबाद में गर्भवती महिलाओं के कोरोना टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष तौर पर पिंक बूथ बनाया है, जहां गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से संबंधित सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर पिंक बूथ का निरीक्षण करने पहुंचे और कहा कि यह प्रदेश का पहला केंद्र है जहाँ गर्भवती महिलाओं का अलग से टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं के साथ साथ देश का आने वाला भविष्य भी सुरक्षित होगा। बहनों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर के लिए अलग से सुविधा शुरू की गई है और हरियाणा में ये पहला ऐसा सेंटर है जहां हम अपनी महिलाओं के लिए अलग से टीकाकरण होगा। इससे जहां इकट्ठा टीकाकरण में महिलाएं सब जाती हैं वो अलग से उनके लिए प्रावधान किया गया है और देश के भविष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आने वाला जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे और हमारी बहन सुरक्षित रहें, इसकी शुरुआत पहली बार यहाँ पर की गई। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ज्योति शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं के अधिक से अधिक टीकाकरण के लिए उन्हें विशेष पिंक बूथ की सुविधा मुहैया कराई गई है। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के बैठने और अन्य सुविधाओं के प्रबंध किए गए हैं। जैसे कि अभी वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट लेडीज को लास्ट वीक ही लॉन्च किया है हरियाणा स्टेट में, तो जैसे जैसे गाइडलाइन आई हम सबको वो फॉलो करनी थी, तो हमने सोचा प्रेग्नेंट लेडीज जैसे कि आमतौर पे आने में हिचकी जाते हैं कि काफ़ी सारे नई वैक्सीन है और कैसा रहेगा, तो लोग बाहर निकल के नहीं आ रही थी, तो थोड़ा भीड़ भाड़ से बचाने के लिए हमने एक सेपरेट बूथ बनाया है जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज को ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। टीकाकरण करवाने वाली महिलाओं ने कहा कि सभी गर्भवती महिलाओं को अपने लिए और अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। और ये भी पता चला है कि जो कोरोना का जो वैक्सीन है वो प्रेगनेंसी में भी लिया जा सकता है और इससे क्या होगा कि मुझे मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी सुरक्षा मिलेगी